बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, जो दुख के तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह पाक हम सबको बचाए रखें। इस दुआ के साथ आज के इस व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून। तकरीबन पौने चार बजे का टाइम है, तो फयाज भाई लेने आए। पहले तो मेरा नहीं जाना था, मैंने कहा चलें मैं भी साथ में चलता हूँ, या आप अकेले रह के कौन सा मैंने तीर मारना, काम धंधा तो कोई है नहीं। तो दिल होते पै जंदा वो, मैं हमें अरे फिर अब्बू जी कहंदे भी फयाज भाई के साथ जा रहे हैं, जल्दी आ जाने से, हुन जल्दी जल्दी आंदे नहीं हैगे। ते फिर अच्छा बज मेरा, मेरी हिम्मत देख ला, मिस्त्री छाड़ के लगा के उन्होंने सारा काम करवा के अब्बू ने मिस्त्री लगे होन ते फिर भाई कितों निकला न होला। मेरे भरा जी ने अक्सर आले जांदे रहंदे हुंदे, दो तीन दिन हम रहेंगे उधर, मैं विश बेटी को छोड़ के जा रहे हैं, वो दो तीन दिन यहाँ पे रहेगी और जो वहाँ के काम की जिम्मेदारी है वो मेरा भक्त आएगी। और इस तरह मतलब जो है वो भी इधर रह लेगी, ये भी उधर रह लेगी। मैं काफी देर तो बाहर जा रही हूँ, दोनों बेटियाँ अपनी अपनी अम्मा को। एक तीर से असल में ना एक तीर से दो शिकार खेल गए हैं। मगरब की अजान होती फिर मेरी अम्मी की बहुत याद आती है। कल जी दिन सवेरे ही कल शामी के सवेरे ये मेरा हो गया फटा। मैनू आंदी जाना है, मैं कहना है तू जा के की करना है, नहीं पता नहीं की गल हुई। तो वह मैनू आंदी भी जड़िया लड़कियां होंगे ने वो मुश्किल होंगे उन्होंने वास्ते वह छड़ के आदि ने। मैं क्या मैं असं कि थोड़ी मेहनत करने तुम छा मैं क्या असं थोड़ी मेहनत करने लेकिन उल्टा हिसाब हो जाते मुश्किल हालात हो जाते। अपनी जमीन जिनी मर्जी वाल लो डिजाइन सोहना बनिया है, जिनी मर्जी वाल लो वाल लो। चलो अल्लाह पाक ख्याल रखे, जिवें जिवें रब तआला तौफीक देंदा उवें उवें हर किसी ने अपने साथ। मेरा जस्ट फ्रंट तैयार है ना, मेरा वो फ्रंट वाली पट्टी वाला डिजाइन ज्यादा तैयार है। पहनना शुरू हो गया ना, देखो ये पता नहीं शुरू हो गया होना। अच्छा हां जी, आगे बीचों तो एक बार कम रोक दिया था, दोबारा शुरू हो बीचों कोजिया बाद तक बन गई है। हां जी, ना बार बार चले नहीं नहीं भेजती जाना, बात ही जाना कि असी सानू भेजती हां बीचों तो की लेन जाना। ये मेन शाहरा है जो कराची पोर्ट या ग्वादर को, बल्कि कराची से लेके गुजरात बॉर्डर तक जाती है, लेकिन ये जो हिस्सा है इस हिस्से का अल्लाह ही हाफिज़ है। बड़ी मुद्दत बाद बड़े दो तीन महीनों के बाद शायद इधर से गुजरे हैं, तो सोचा था कि शायद इस पे कुछ काम हुआ होगा, लेकिन हालत जैसी थी वैसी ही है। क्या साल तो हो ही गया इन बढ़ती चौक आजम तो लैके फतेहपुर तक जो तकरीबन 22 किलोमीटर का सफर है, लेकिन ये मसा मर के 10 किलोमीटर भी जड़ी है ना वो ते काम नहीं मुकम्मल होया। जितनी बड़ा भाई ये प्रोजेक्ट ते काम होया, ये तो ऐसा जबरदस्त काम शुरू करन, ये अपनी मर्जी ना करदे जावे, साडे मेरे मिस्त्री नहीं से लगे पहले ओ वाला ही साहब, ओई 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 साहब
जी, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ इधर फ़ियाज भाई लोगों की तरफ। दिन में तो कभी कभार चक्कर लगा लेते थे मैं और मेरा कार भी आते थे, लेकिन रात गुजारने काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। तो मिस्त्री चले गए हैं, फ़ियाज भाई का घर देखते हैं और बाकी जो डिटेल वीडियो है वो तो कल बनाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ जो है ना वो बाहर से ऊपर से ये पुराने घर के ऊपर से खड़ा होकर ना छत का एक व्यू दिखाता हूँ घर का, और बाकी जो डिटेल वीडियो है वो फ़ियाज भाई को कल पकड़ेंगे, बिठाएंगे, खर्चा कितना आया, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी शाम हो चुकी है तो अभी मैं इसको ना टच नहीं करूँगा। मिस्त्री चले गए हैं और ये माशाल्लाह फ़ियाज भाई का घर बन रहा है, और ये पुराना घर जहाँ पे सोलर पैनल की ये प्लेटें रखी हुई हैं, स्टैंड में रखे, अभी नहीं बनवाया। तो कल बफजले खुदा सारा टूर करवाएंगे, फ़ियाज भाई को पकड़ेंगे, कान से पकड़ के बिठाएंगे, हाँ भाई बता कितना ख़र्चा किया और कौन कौन सी चीज़ कैसी कैसी बनी है, वो सारा इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना छत से जो शाम का खूबसूरत सा मंज़र आता है ना, दूर दूर तक कोई घर शर नहीं है ना, तो इस वजह से जो सनसेट सीन है ये बड़ा ही दिलकश। ये देखें माशाल्लाह हर तरफ सब्ज़ा, ये सारा जो टीला था ये भाई इन्होंने कर लिया है, बराबर लेवल कर लिया है, ज़मीन निकाल ली है। पैसा तो काफ़ी खर्च हुआ है, टाइम भी लगा है, मेहनत भी लगी है, लेकिन ज़मीन माशाल्लाह वो उस कॉर्नर तक बिल्कुल निकाल ली है। अब इस पे काश्तकारी हो सकती है, पहले सिर्फ दरख्त लगे हुए थे बारिश पे, वो दरख्त बड़े हो जाते थे, लेकिन अब ज़मीन पानी लगाने के काबिल, बराबर कर लिए, इसको लेवल कर लिए, तो अब जो है ना इस पे फसल काश्त की जा सकती है। दूर दूर तक खूबसूरत खेत, सब्जा, बारिशों की अक्सरियत की वजह से ना इस बार माशाल्लाह दरख्तों का रंग देखें। व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। काफ़ी थक चुके हैं, कल फ्रेश होंगे, तो कल वाला व्लॉग बहुत सारे बहन भाइयों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि कल हमने फ़ियाज भाई को पकड़ना है, पूछना है कि मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ, ख़र्चा कितना आया, सारा मतलब कल ना कल के व्लॉग में ऐड करेंगे इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। और अभी इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।